जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट को ऐसे जो लोग हैं वो हमें सहकार्य करें, जिससे कि हमारा जो क्रिकेट है पूरे इंडिया में या के पूरे वर्ल्ड में हमारा फेमस हो सके, और जो लेवल पे हम अभी खेल रहे उससे बड़े लेवल पे हम ये क्रिकेट सबके सामने प्रदर्शन। आप तो देख रहे होंगे कि हमारे प्लेयर व्हीलचेयर पे होते हुए सिक्स भी मार रहे, फोर भी मार रहे, फील्डिंग भी प्रॉपर कर रहे हैं पूरी तरह होता, तो इस खेल को भी आप बढ़ावा दें जिससे कि रोमांचक पैदा हो और हमें भी आगे क्रिकेट के लिए, हमें भी अगर ऐसे लोगों का सहकार्य मिलता है तो हमें भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप कुछ जुड़ना हो आपसे तो कैसे ऐसे व्यक्ति को अगर हमसे जुड़ना है तो हम हमारी जैसी कि इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है डिसालो स्पोर्टिंग सोसाइटी के माध्यम से हम चलाते हैं, और अगर महाराष्ट्र में किसी को जुड़ना है तो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र एसोसिएशन मुंबई से है, और आप हमारे फेसबुक पेज पे व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र डाल के हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और उसके अंदर हमारे एसोसिएशन की और व्हीलचेयर क्रिकेट की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आज मैच कहां-कहां से, कुछ उसके बारे में डिटेल बताना चाहिए। आज का ये मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का है, और इंडिया के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी आए हैं, जिसके अंदर जितने भी राज्य हैं सब राज्यों से हमने नेशनल टूर्नामेंट में जो बेहतर प्रदर्शन किया है वो बेहतर प्रदर्शन करके जो खिलाड़ी हमने चुने हैं, और आज इस टूर्नामेंट में आपको बताना चाहूँ कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और हम ये करते हैं कि ये सीरीज हम जीत के राधे माँ को एक तोहफा हम लोग देंगे। ये तीन दिन का क्रिकेट है हमारा, आज हमारा पहला मैच गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में है, कल हमारा जो मैच होने वाला है वो हमारा मैच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होने वाला है जो सभ्य में सांताक्रूज में, और तीसरा मैच हमारा पायाडे स्पोर्ट्स क्लब कांदिवली में होने वाला है।